कामन ले लो। कामन लेने का प्रथा एक ही है, जे क्रॉस लगा दो और ये हो जाएगा R1 - R2। ना तो मेरे को R1 टीचर ने दिया और ना तो मेरे को R2 दिया। मेरे से क्या पूछा है, मेरे को क्या दिया, क्या जानना है? R1 - R2 जानना है। अब कैसे जानोगे बच्चों? R1 - R2 मेरे को जानना है। बोर्ड पे देखिए, अब ये R1 और R2 मेरे को पता करना है। ये देखो, ये R1 हो गया यहाँ पे। अगले लाइन पे दिखाते हैं आपको, या इसी जगह देख लो। देखो ये जो स्मॉल R है उसे भी काम नहीं चलेगा ना, R1 और R2 चाहिए। अब स्मॉल R यहाँ पे क्या हो गया है? R1 हो गया है, R1 हो गया है। और बच्चों ये वाला क्या हो गया है? R2 हो गया है। थोड़ा सा रुक जाओ तब लिखो। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। इसके सेंटर से R1 दूरी पर और इसके सेंटर से R2 दूरी पे है। मतलब वो पॉइंट कहाँ पे है? पहले वाले के सेंटर से कितनी दूरी पे और दूसरे वाले के सेंटर से कितनी दूरी पे है। और बच्चों इसके बाद देखो, आप ये एक लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दो। ये सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी हो गई। इसे हम आर नाट कर दें थोड़ी देर के लिए, कर दें। अब ये आर नाट, R1 और R2 में कोई फार्मूला कुछ आपको समझ आ रहा है क्या? अगर कुछ समझ में आ रहा वेक्टर वाला रिलेशन तो आप हमें लिखवा दो। हाँ, R0 और प्लस R2 बराबर R1। तो बच्चों ये R0 का मान हो गया R1 - R2 हो गया। इसका मतलब ना तो मेरे को R1 की ज़रूरत है, ना तो मेरे को R2 की ज़रूरत है। मेरे को ज़रूरत है केवल सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी की, सेपरेशन की ज़रूरत है, और सेंटर टू सेंटर। इसलिए मैं अब यहाँ लिख सकता हूँ μ0/2 जे क्रॉस R0। बच्चों यहाँ पे हम लिख सकता हूँ μ0/2 जे क्रॉस C1 C2 वेक्टर। ये ज़्यादा अच्छा है कि दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन, और यहाँ से आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, बी इन कैविटी और वेक्टर फॉर्म। ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में नहीं करनी है, आपको सीधे ये पता होना चाहिए था। जे क्रॉस C1 C2 आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करो, देखो ऐसे रिजल्ट वो भी आया था। यही आया था कि दोनों के सेंटर के बीच का गैप पे डिपेंड करता है। आज भी वही आ रहा कि दोनों के सेंटर के बीच के गैप पे। बच्चों जरा एक बात बताओ, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? अब अगर मैंने यहाँ पे सवाल तो मैंने यही दिया था। अब हमें ए सेंटर इसका और ये सेंटर इसका, और इसी को R0 लिखा है क्या? बोलो हाँ नहीं कुछ बोला करो। R0 इसी को लिखा है। तो बच्चों जब लिखा है तो बताओ ना R0 कितना है? R0 कितना है? ये पूरे R1 में R2 माइनस कर दो तो आप यहाँ पे लिख दोगे R1 - R2। अब R0 की जगह R1 - R2 पेपर में दिया था कि नहीं? अरे बोलो हाँ नहीं बताओ, दिया था कि नहीं? अब आप दोनों के सेंटर के बीच का गैप आप जान गए। और अब इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन लेंगे, फाइनल वैल्यू लिखेंगे। बच्चों बताओ बी का मान μ0/2। अब वेक्टर हटा दो, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पहले लिखो। जे का मान लिखा था I/π R1² - R2² C1 C2 R1 - R2 a - b a + b छुट्टी पा गया μ0/2π I/R1 + R2 ये आंसर हो गया। समझ आया? पेपर में तो यही सवाल देगा जो मैंने लिख दिया है, और यही आपका वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है आपको। μ0/4π 2I/R होता था, R की जगह यहाँ पे R1 और R2 दोनों का
सम हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, डिफरेंस नहीं हो रहा है, सम हो रहा है। एक ऑप्शन में डिफरेंस भी रहेगा, लोग डिफरेंस वाला टिक करके चलाएगा, और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का सम हो रहा है, यही अंतर है बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब आप इसे अच्छे से लिख लो, मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, ये केवल थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन है वेक्टर के फॉर्म में। अब अगर वो पूछेगा कि उस जगह मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो हम तो बताना सीखे हैं ना कि या उधर परपेंडिकुलर इनवर्ड या तो आउटवर्ड बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, लिख लो। अब पहले फिगर देख लो, धीरे धीरे हम इसको शिफ्ट करेंगे और आप अपना लिख लें, घर पे एक बार और देख लेना, पेपर में आएगा तो यही सवाल आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और इसी में R1 और R2 का मान रखते जाना, आंसर आता जाएगा। अगर बच्चों इसके कैविटी सेंटर में ही कर दिया जाए तो, अच्छा पहले लिख लो तब पूछूं, अभी आप लिखने में बिजी हैं, अब पहले लिख लो तभी पूछूंगा। मेन इक्वेशन आपका ये है, ये ध्यान रखना है, जब भी वैल्यू देगा तो आपको इसी में रखना है। वैल्यू देगा कहाँ, क्या एंगल दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो नॉर्मल रिजल्ट यही है जो ऊपर लिखा है, ये जो बॉक्स में लिखा है, ये वाला सेंटर सेंटर के बीच का गैप। आगे बढ़ा लूँ, अब हो गया, चलो ये उसका कैलकुलेशन है। यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि करंट देखो 90 क्यों है, ये भी सोच लो, करंट ऐसे जा रही है और R1 - R2 तो इसी लाइन में होगी, ऐसे तो होगी R1 - R2, तो ये एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो थीटा क्या हुआ 90, तो एक राश भी ये भी साइन थीटा में थीटा 90 लिख दोगे, इसलिए वो थीटा 90 हो गया, तो केवल हमने मल्टीपल कर लिया साइन 90। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, और बच्चों मैंने कैविटी बनाया। अब देखो ये कैविटी है, अब थोड़ा थोड़ा बात बताना, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आपको निकालना है, इसके अंदर निकालना है, ये सेंटर है, तो बताना आप मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा। कैविटी के अंदर ही हम निकालेंगे। एक बार मैंने कैविटी यहाँ पे बनाया और इस कैविटी को खिसकाया, अब ये कैविटी मैंने इसके सेंटर पे ले आ दिया, आप बताइए अगर सेंटर पे कैविटी आ जाए तो जीरो हो जाएगा, और अगर सबसे दूर कैविटी है तो सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैविटी के अंदर जीरो होगा अगर कैविटी का सेंटर और सिलेंडर का सेंटर एक ही जगह आ जाए तो जीरो होगा, और जैसे जैसे सेंटर के बीच का गैप बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कैविटी के अंदर बढ़ेगा। अब बच्चों कैविटी के अंदर जो आपके कंपिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे टीचर, वो यही पूछेंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। अब कैविटी के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे B1 है, एक पॉइंट यहाँ पे B2 है, आप बताइए B1 और B2 में क्या रिलेशन होगा, छोटा कौन है B1 की B2? B1 छोटा है, B2? B1 और B2 दोनों अलग अलग कैविटी में है कि सेम कैविटी में है? और अगर एक ही कैविटी में है तो उस कैविटी के अंदर चाहे जहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, तो B1 और B2 अलग अलग आएगा कि इक्वल आएगा? इक्वल आएगा। मैंने जो बताया था कि ज़्यादा होगा तब जब कैविटी की पोजिशन बदलेगी, यहाँ कैविटी के अंदर दो पॉइंट की पोजीशन बदल रही है तो वहाँ पे तो सेम आएगा। अब अगर ऐसा होता कि एक कैविटी हम यहाँ पे एक बार बनाते और एक बार दूसरी कैविटी मान लो हम यहाँ पे बनाते, दो कैविटी बनाते और एक यहाँ पे B1 दिखाते
और एक बार जब कैविटी हम यहाँ बनाते बी टू, तब पूछा जाता किस में ज़्यादा होगा, तब बी टू में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक ही कैविटी के अंदर दोनों हैं तब फिर बराबर होगा, और अगर दो कैविटी हो तो, और सेम कैविटी हो तो, समझ गया, ये कैविटी का खेल है। बॉडी पॉइंट कहाँ है पहले देख लो, फिर वो फील्ड ज़्यादा है कि कम तब बताना है। सेम कैविटी में है तो सेम वैल्यू आएगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछे, हर जगह एक ही बात होगी। और जैसे जैसे कैविटी दूर होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछे, वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर सेंटर पे कैविटी हो तो जीरो ही होगा, चाहे कोई भी फील्ड पूछे। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, और ये आएगा तो ऐसे ही आएगा जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ, और इतने ज्ञान से आपका आंसर निकल जाएगा। कोई आपको बड़ा डेरिवेशन नहीं कराना है, वो आपको इसलिए सिखाया जाता है कि दिमाग में रहे कि ये सब सीखा तो था, तो आपको गलत नहीं होगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बच्चों ये तो पूरी कहानी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिनिश हो रहा है, एक आप सवाल लगाते जाएँ और हम मैग्नेटिक फोर्स शुरू करने के लिए अब दूसरे डायरेक्शन में चैप्टर को ले जा रहे हैं। एक पार्ट आपका ख़त्म हो गया, फील्ड का एक चैप्टर, मतलब मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर समाप्त। एक सवाल लिखिए आप, ये आपका क्वेश्चन लगाने के लिए अभी तुरंत टेस्ट है, क्लास टेस्ट, इसे लगाएं आप। देखो बच्चों सुनो, ये तीन वायर हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं, और तीनों में करंट आई फ्लो कर रही है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तीनों में करंट आई फ्लो कर रही है। तीनों वायर रखे कहाँ पे हैं, एक्स बराबर जीरो पे है, एक्स बराबर नहीं, रुको एक मिनट, एक्स बराबर जीरो पे है, एक्स बराबर माइनस डी पे है, और एक्स बराबर प्लस डी पे है, एक्स बराबर प्लस डी पे है। तो तीन वायर है, तीनों के लोकेशन आपको दिखाया जा रहा है, कौन कहाँ कहाँ है, करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, तीनों में एक ही तरफ है, और तीनों लॉन्ग वायर है। तो सवाल में पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ पे है, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये सवाल है। तो फाइंड पोजीशन, इनफाइनाइट को छोड़ के बताना है, इनफाइनाइट कोई पॉइंट नहीं है, वो तो बोला जाता है कि हमें नहीं पता है, तो हम कोई फाइनाइट की बात करेंगे। तो फाइंड पोजीशन एट विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थ्री लॉन्ग वायर, लॉन्ग करंट वायर, करंट कैरिंग वायर बिकम जीरो। ये सवाल पूछा है कि वो पोजीशन बताना जहाँ पे तीनों लॉन्ग करंट वायर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाए, ये सवाल है। बच्चों ये क्वेश्चन को हम लोगों को लगाना है अभी, आप अपना दिमाग में चीज़ों को सोच सोच के, आप कुछ इधर उधर की बात दिमाग में ले आओ तो देखो कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये तीन लोकेशन दिया है, x बराबर जीरो, x बराबर माइनस डी, x बराबर डी पे तीन वायर है, और तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहीं जीरो होगा, कहाँ जीरो होगा वो पूछा है। इसी एक्सियल पॉइंट पे ही पूछा है, जो ब्लू कलर से लाइन दिखाई गई है उसी लाइन पर कोई पॉइंट होगा।
सवाल को मैंने बच्चों हटा दिया, अब केवल आपको ज्योमेट्रिक बनाने के लिए हम कुछ बात करेंगे। थोड़ा सा देखो, मैं कुछ बात बताऊंगा, टाइम बचेगा, सुनो। अब ये बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, हम कैसे कहाँ पे उस पॉइंट को ले लें? अगर किसी चीज़ को हम चित्र बना के समझा सकते हैं तो पहले चित्र बना के समझना चाहिए, और जहाँ पे चित्र नहीं बन सकता तो वहाँ पे हम मान लेते हैं कि मान लो यहाँ ये है। पहले हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर कैसे बनाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो बच्चों ये जैसे पहला वाला है, ये वाला, तो इस पर मैं नंबर डाल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए नंबर डाल देता हूँ सब पे। किसी को वन, किसी को टू, किसी को थ्री, किसी को कुछ बोल सकते हैं। मैंने इसी को वन बोल दिया, इसको टू बोल दिया, इसको थ्री बोल दिया। ये तीन वायर है। नंबर इसलिए डालते हैं कि थोड़ा ध्यान रहेगा किसका क्या है। अब ये पहले वाले वायर का मैग्नेटिक लाइनें ऐसी होंगी, ऐसे होंगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, उसको दिखा दिया। दूसरे वाले की मैग्नेटिक लाइनें ऐसे होंगी, बोलो होंगी कि नहीं होंगी, इसको दिखा दिया। तीसरे वाले की मैग्नेटिक लाइनें ऐसे होंगी, इसको भी दिखा, नहीं, कलर चेंज करेंगे। तीसरे वाले की मैग्नेटिक लाइन इस तरह से है यहाँ पे, इसको ऐसे दिखा दिया। पहला तो काम यह है कि हमारे दिमाग में मैग्नेटिक लाइन का एक इमेज बन जाए। अब बच्चों इस पॉइंट को मैंने लिया, इस पॉइंट को लिया, यहाँ पे कहाँ कहाँ पॉइंट लेंगे पहले ये बात कर लेते हैं। एक पॉइंट हमने इस जगह ले लिया, एक पॉइंट हमने इस जगह ले लिया, एक पॉइंट हमने इस जगह ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। क्या और कोई पॉइंट ले सकते हैं आप? और नहीं ले सकते हैं आप, हर जगह तो ले लिया, इधर उधर सब तरफ। अब आप यहाँ पे देखो, इस जगह देखो, पहले वाले का फील्ड किधर है? अगर हम वन की बात करें तो इधर की तरफ क्या है? बी वन। यहाँ पे पहले वाले की बात करें तो इधर की तरफ क्या है? बी वन। यहाँ पे पहले वाले की बात करें तो इधर की तरफ क्या है? बी वन। यहाँ पे पहले वाले की बात करें तो इधर की तरफ क्या है? बी वन। कल हमने यही तो बोल रहा था, इधर है लेफ्ट में तो नीचे राइट में होगा सब, अगर एक है नीचे तो इधर ऊपर होगा सब। एक तरफ लेफ्ट तो एक तरफ राइट, लेफ्ट राइट तो उल्टा ही होता है, इसलिए एक डाउन तो दूसरे साइड में अप होगा, वो ऐसा है भी। अब बच्चों एक फील्ड की बात तो हो गई, अब बताना शुरू करो दूसरे वाले की। बच्चों बताओ इस पॉइंट पे बी टू किधर होगा? नीचे होगा, हाँ नीचे होगा। इस पॉइंट पे बच्चों बी टू किधर होगा? नीचे होगा, नीचे होगा। इस पॉइंट पे बच्चों किधर होगा? ऊपर होगा, ऊपर हो गया। इस पॉइंट पे किधर होगा? ऊपर होगा, ऊपर हो गया। चलो दो कहानी हो गई। अब आता है नंबर तीन। तीसरा नंबर का जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं उसको भी बनाएं, आप बताएं। बच्चों यहाँ पे बताना बी थ्री किधर होगा? नीचे होगा कि ऊपर होगा? जल्दी बताइए, नीचे होगा। ओके बच्चों यहाँ पे बी थ्री किधर होगा? नीचे होगा। ओके यहाँ पे किधर होगा बी थ्री? नीचे होगा, ठीक है। इधर कहाँ होगा? ऊपर होगा। दो पॉइंट बाहर वाले बाहर हो गए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो यहाँ भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो वहाँ भी नहीं होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो दो जगह होगा, एक यहाँ होने की संभावना, एक यहाँ होने की संभावना, क्योंकि एक नीचे वाला एक ऊपर वाला अगर मिल रहा है तो मे बी कैंसिल, और कैंसिल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। बच्चों जीरो होने के दो पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं? दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब कहाँ पे होगा? पोजीशन की बात किया है तो पोजीशन की बात किया है तो मैं एक जगह चुन लिया, इस वाले को चुन लिया, इसको छोड़ दिया। एक जगह मैं निकालूंगा, दोनों जगह कैलकुलेशन करेंगे क्या? एक ही जगह तो कोई कैलकुलेशन करोगे। एक जगह मैंने चुना यहाँ पे, और पूछा है कि पोजीशन, तो पोजीशन एक्स बराबर जीरो से ये दूरी कितनी होगी? एक्स। आप बताइए यहाँ से ये दूरी कितनी होगी? डी माइनस एक्स। यहाँ से ये दूरी कितनी होगी? डी प्लस एक्स। आप पहले इसको समझ के बताओ, ये समझ आया कि नहीं? सारी डिस्टेंस क्लियर है?
ये दूरी है यहाँ तक की डी और यहाँ तक की एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया डी प्लस एक्स। ये पूरा एक्स मैंने ले ही लिया है और ये पूरी दूरी डी है और इसमें एक्स कट गया तो डी माइनस एक्स हो गया। तो बच्चों ये जो डी प्लस एक्स है, अच्छा अब यहाँ पे फार्मूला लिखवा दो, क्या लिखा जाएगा बी टू प्लस बी वन माइनस बी थ्री मस्ट बी जीरो। बोलो मैंने सही लिखा? इसमें कोई भी फील्ड होगा म्यू नॉट अपान फोर पाई तो सम में आएगा, बाहर कर लो, सम में टू भी आएगा, सम में आई भी आएगा वो भी बाहर कर लो, और नीचे आएगा वन अपान आर तो वन अपान डी प्लस एक्स, वन अपान एक्स माइनस वन अपान डी माइनस एक्स मस्ट बी जीरो। कोई छोटा बच्चा को बुलाओ और इसका आंसर निकलवाओ। अब इसका एलसीएम लेना, अब इसका एलसीएम आपको लेना है बच्चों, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स डी प्लस एक्स और डी माइनस एक्स। अब आप ही बताओ डी प्लस एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा एक्स इंटू डी माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हैं डी प्लस एक्स डी माइनस एक्स, माइनस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा एक्स इंटू डी प्लस एक्स, आगे क्या होगा जीरो, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करो और क्या होगा एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट भी जीरो, जीरो तो ऊपर वाला ही होगा। अब इसके बाद कुछ जाने वाला होगा, गया डी स्क्वायर बराबर हो गया एक्स का मान आ गया प्लस माइनस डी बाई रूट थ्री, तो दो पॉइंट आया कि नहीं आया, एक प्लस आया और एक माइनस आया, एक इधर आया एक उधर आया, और ये आपका आंसर साफ साफ आया। एग्जाम में आएगा डायरेक्ट गोला भर के चल देना, गोले लगाओ बोलो लगाने का काम यहाँ नहीं है, वो तो क्लासमेट सर ने किया था। तो आपको ये रिजल्ट है बच्चों, ये पेपर में आने के लिए पूरे पूरे चांसेस हैं, और इसका आंसर है एक्स बराबर प्लस माइनस डी बाई रूट थ्री। ये नॉर्मली सारे बच्चों को पता रहता है, अब आपको आज पता हो गया, आप कैलकुलेशन कर लीजिए और ये ध्यान रखना, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। आप एनसीईआरटी की किताब नहीं देखते हैं, उसमें देखेंगे तो सब हाईलाइटेड हैं, ये सारे पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि बच्चों को कम से कम ये सब आना चाहिए। तो अपना आंसर हो गया, दो लोकेशन हुआ, एक x बराबर डी बाई रूट थ्री और एक हो गया माइनस डी बाई रूट थ्री। कंप्लीट? तो बच्चों कंप्लीट हो गया, तो एक ग्राफ आप बनाते रहें, तब मैं दूसरा सवाल सोचूं, मैं अगला टॉपिक सोचूं। आपका क्लासेस जो भी चल रहे हैं इस पे प्रैक्टिस के लिए पेपर को ज़रूर देखेंगे, जैसे अभी घर जाएंगे या जब भी आपके पास थोड़ा टाइम मिले तो पी वाई क्यू रखे रहा करो, और जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी समय 10 मिनट में आपके 10 सवाल लग जाएंगे, 10 मिनट का ब्रेक रहता है ना, उसी समय आपके पी वाई क्यू के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सेम डे पे सेम टाइम में। और जैसे जैसे सवाल देखोगे आपको दिखा रहा है सब तो हो गया है, ये आंसर है ये आंसर है, बोला भरो ख़त्म करो आगे बढ़ो। अब पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, अब ये नहीं कि आपका 10 मिनट का जब टाइम मिलता है तो बैठ के पंचायत करते हैं, हैं मीटिंग करते हैं, आपका काम है कि उस समय आपने पी वाई क्यू को रखा खोला और जिस टॉपिक को आपने पढ़ा उस टॉपिक का कौन कौन सवाल है उसी समय समाप्त कर लो, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, बड़ा खुश रहेंगे आप कि आज का दिन में इतना चीज़ें मेरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अपने प्रेशर को कम किया जाता है, और नहीं तो 10 मिनट आप कभी पढ़ा देंगे तो 10 मिनट आप गड़बड़ गड़बड़ पंचायत करके जो पढ़े हैं वो भी चौपड़ कर देंगे, हाँ उसमें भी खिचड़ी पका दोगे, तो उसे ठीक करो, ऐसे पढ़ो और एक सवाल लगा के देखो। बच्चों लोग आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद फिर आपका
फाइव मिनट का शॉर्ट ब्रेक होगा, तब मैग्नेटिक फोर्स शुरू होगा। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और, ये करंट आई है और ये वाला करंट आई है, दोनों करंट आई है। ये वाला जो है एक्स बराबर जीरो पे है और ये एक्स बराबर माइनस डी पे है। आपसे पूछा है कि प्लॉट बी एक्स कर्व, क्या पूछा है, बी एक्स मैग्नेटिक फील्ड और एक्स का ग्राफ, प्लॉट बी एक्स कर्व। दोनों वायर कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, दोनों में करंट एक ही तरफ का चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो तो दोनों चार्ज लाइक चार्ज है। एक मैंने ग्राफ खिंचवाया था लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज से लिया, उसी ग्राफ को आपको ग्रेविटेशन लाइन में भी बनाने के लिए आएगा, वही ग्राफ आपको मैग्नेटिक के लिए भी आएगा, इलेक्ट्रिक के लिए आप बना चुके हो। बच्चों देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो जरा, कंटिन्यूअस मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनते जाओ। सबसे पहला काम, इसमें आप ऐसे मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन बना लो, यहाँ पे भी मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन बना लो, यहाँ पे भी बना लो, ये बन गया, दोनों बन गया। अब आप यहाँ पे जब देखोगे तो ये फील्ड दोनों अंदर होगा, B1 और B2 दोनों अंदर की तरफ होगा। आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों दोनों ऊपर होगा, ऊपर होगा, दोनों ऊपर होगा, दोनों ऊपर होगा। ये मेरे दिमाग में बात आ गई, ये तो मैंने देखा। इसके बाद सवाल में कहा है कि बी एक्स कर्व बनाना। बच्चों बी एक्स कर्व बनाने के लिए फिर ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे जब हम आएंगे यहाँ पे, तो जिसके करीब होंगे उसका असर ज़्यादा होगा। तो जब आप यहाँ पे रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, और जब आप यहाँ पे रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, और जब बीच में रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये बात समझ आया कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, आप जिसके करीब हो जाओगे तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे बी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसके नज़दीक रहेंगे तो बी इन्फिनिटी होगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, इसके नज़दीक रहेंगे तो बी इन्फिनिटी होगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और अगर बीच में रहोगे तो दोनों कैंसिल करके जीरो हो जाएगा। और जब ये बात समझ आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सपोजर है, तुरंत ये बात दिमाग में आ गया, आपको याद होगा ऐसे ही लाइक चार्ज का बना था, वही यहाँ बनेगा, वही ग्रेविटेशन में भी बनेगा, कहीं भी पूछ सकता है, एक ही तरह की बात हर जगह बनेगा। आप इधर भी आइए, इधर भी बच्चों, अब आप अगर यहाँ पे देखोगे, इस साइड में देखोगे यहाँ पे, तो इन्फिनिटी तो होगा लेकिन किधर होगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये वाला ग्राफ ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। आप उधर चलिए, यहाँ पे इन्फिनिटी तो होगा लेकिन किधर होगा, पॉजिटिव होगा, तो अब ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा। आप याद करो ऐसे ही बना था, यहाँ पे बी एक्स कर्व हुआ, पता चला कि यही पेपर में आया और आप समझ ना पाए, और आपसे मैं बोलूँगा मैंने तेरे को पढ़ाया तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन आपका तो वहाँ चौपट हो ही गया, क्योंकि एक ही जैसी चीज़ कई जगह है। तो जब हम लाखरी में चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्फिडेंस आता है, अरे कुछ नहीं एक ही बात सीख लो हर जगह काम आता है। इसीलिए तो मैं दिन भर पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को तो जानता हूँ, उसी के पैरेलल सारे चैप्टर पढ़ा देता हूँ, वही एक कॉन्सेप्ट है, आप चाहे जो कहोगे सब उसी हिसाब से चलेगा। तो ऐसे ही है, जैसे सुबह शाम होता है, रात से दिन होता है, वैसे फिजिक्स में भी चलता है हर बात। चलिए बच्चों, एक आप अपने कॉपी पे एक बना लो, जैसे ये बन गया ना, ऐसे एक बना लो।
ये सब यही है, कुछ बदला नहीं है। आप कुछ तो बदलना पड़ेगा, लेकिन क्या बदला जा सकता है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर तो रहेगा ही रहेगा, बस करंट का डायरेक्शन बदल दो आप और इसे बना दो। अभी कर्व कैसे बनेगा आपके दिमाग में इमेज आ गया, हो गया, बताओ कैसे बनेगा? बीच में यू बनेगा, बनाओ, देखो यू ऊपर बनाए कि उल्टा बना कि सीधा यू बना, यही बताना, यही बोलना, सीधा यू उल्टा यू। अब उसी से पकड़ में आएगा कि आपने सीधा काम किया कि उल्टा काम किया। पहले पहले उसको बना, लिख लो कॉपी में और तब भी यक्ष कर्व बनाओ, कोई हड़बड़ी थोड़ी है, आराम से बनाओ, अपना क्लास है, अपना समय है, चाहे जब तक पढ़ो, कौन मना करता है। अब ऐसे भी पढ़ लो, अब जितना पढ़ सकते हो, फिर ऐसा समय कहाँ मिलेगा। अब दोबारा तो ये पढ़ना भी नहीं है, दोबारा आपको फिर इस तरह की चीज़ों को सीखना भी नहीं है। अब आगे तो नहीं पढ़ी पढ़ाई पढ़ोगे आईटी और मेडिकल की, इसलिए पढ़ लो, बस आखिरी बार चल रहा है, फिर नहीं देखना है, देख लो जितना देख सको, पढ़ लो जितना पढ़ सको। अभी तो टाइम लगा दिया इसमें आप लोगों ने, उल्टा यू बना के सीधा, इतना ही तो पूछ रहा था। देखो आधे लोग उल्टा बना दिए, आधे लोग सीधा बना दिए, इसका मतलब है कि खुद ही समझो क्या होगा। अरे चलो ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ, यहाँ अब मत लिखो, अब मत बनाओ, बोर्ड पे देखो। अब मैं पहले तो फील्ड बनाऊँगा, ऐसा बनेगा, और ये अंदर की तरफ है तो ये ऐसे बनेगा, सही है। अब बच्चों देखो, आप यहाँ पे कहीं भी निकालोगे डायरेक्शन अपवर्ड होगा, इसका मतलब कहीं जीरो नहीं होना है, अंदर जीरो नहीं होना है, अंदर जीरो नहीं हुआ, ये कंफर्म हो गया। हम इधर से शुरू करें, जरा इधर शुरू करें, इस साइड में फील्ड इन इधर होगा, क्योंकि जिसकी तरफ होगा उसका असर ज़्यादा होगा, तो इस साइड में जब निकालना है तो उधर वाले को देखो ही मत, उधर वाले को देखो ही मत, जब इसकी तरफ हो तो उसको क्यों देख रहे हो, हैं? हो एक तरफ और बात कर रहे हो दूसरे तरफ, तो जिसकी तरफ हो तो भगा नहीं देगा कि जब तुमको उसी की बात करना तो वहीं भाग जा, हैं? तो जब इसकी तरफ हो तो इसकी बात करो, उसकी बात क्यों कर रहे हो, इसकी बात करो। अब इसमें फील्ड किधर है, नीचे की तरफ है, और ये इधर होगा तो जीरो की तरफ जाएगा, इधर होगा तो इन्फिनिटी की तरफ आएगा, दूरी घटेगा तो इन्फिनिटी की तरफ आएगा, इसका मतलब नीचे की तरफ इन्फिनिटी जाएगा, एक एरो हो गया। अब आप यहाँ आ जाओ बाहर, अब यहाँ हैं, अगर यहाँ